नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना के साथ ही अब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते दुर्ग के शिवनाथ नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही भक्तिभाव के साथ किया जा रहा है। नवरात्र में देवी माँ दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना कर भक्ति के भाव में डूबे श्रद्धालुओं ने अब माता दुर्गा की विदाई की, माता की विदाई की रस्म निभाने लगे, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दुर्ग के शिवनाथ नदी में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नदी तट पर नजर आए। भिलाई तालपुरी की समिति द्वारा भी विराजित की गई प्रतिमा को शिवनाथ नदी तट पर विसर्जन के लिए पहुंची। साथ ही इससे पहले इन महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सिंदूर खेला और एक दूसरे को कुमकुम गुलाल लगाया और माता के जयकारे के साथ नदी में हो रही माता की प्रतिमा विसर्जन को देख भावुक नजर आई। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दुर्गा पूजा जो है अपने आप में एक बहुत श्रद्धा और भक्ति पवित्रता का एहसास है। इसमें हम लोगों ने देश में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली थीम को रखा था। प्रतिदिन हमने हर प्रदेश की थीम को रखा था। जैसे एक दिन हम मराठी वेशभूषा में थे, किसी दिन हम बंगाली वेशभूषा में थे, कभी हम पंजाबी में थे और कभी हमने अपने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में भी हमने माइथोलॉजी से लेकर रीजनल डांस तक सभी कुछ किया और सारा कुछ हमारी महिलाओं ने अरेंज किया। तो शुरू से लेके अंत तक आज हम सिंदूर खेला करके आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी धर्म के लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ दूसरे धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। ये सबसे अच्छी हमारी कॉलोनी की विशेषता है और हमारी तालपुरी कॉलोनी ए ब्लॉक, हम महिलाओं ने पूरे 9 दिन तक जो प्रयास किया वो बहुत ही शानदार रहा और हम सब उससे बहुत खुश हैं। और इसी तरह माता रानी हमारे यहाँ बार बार आती रहे और हम सब उनका सेवा करते हैं। हमारी कॉलोनी में हम सभी महिलाओं ने मिलकर पिछले साल माता जी को विराजित करने का निर्णय लिया था, तो उसी में हमारी सारी महिलाओं की समिति है। आप देखिए इसमें कोई भी पुरुष नहीं है, सभी महिलाएँ मिलकर हम लोग तालपुरी ए ब्लॉक में दुर्गोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा दूसरा साल है जो हम दुर्गोत्सव का कार्यक्रम, बहुत अच्छा अनुभव। और हमारी संस्कृति सनातन धर्म इसको तो आगे ले जाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, उसी के तहत बहुत आनंदित हुए। 9 दिन तक हम लोगों ने बहुत आनंद किया, रास गरबा हुआ, बहुत सारे बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ग्रैंड एसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।